हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर प्रोडोन। दोस्तों, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वीक सब्जेक्ट। जी हां दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, वो उस पर पकड़ ही नहीं बना पाते और इसी वजह से वो उनमें अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते। दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो ये ज़रूरी नहीं। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा या तो इंटरेस्ट नहीं होता या फिर हमें उसका कंसेप्ट ही समझ नहीं आता, इसलिए वो सब्जेक्ट हमारा वीक हो जाता है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ दें, बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप ओवरऑल फेल ही कंसिडर किए जाओगे। सो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में हो तो फिकर नॉट, क्योंकि आज मैं आपका दोस्त यानी कि मिस्टर प्रोटोन लाया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आप भी अपने एग्जाम में उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपके वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, और लास्ट में होगी एक ऐसी टिप जो आपको एग्जाम से पहले की रिवीजन में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके सिलेबस को पढ़ना आपके लिए आसान बना देगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, टिप नंबर 1, स्टडी इट डेली। दोस्तों, अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप हर रोज़ अपने दिन का कुछ वक्त उस सब्जेक्ट को ज़रूर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप डेली उसे पढ़ें, खासकर उन चैप्टर्स को जो आपको टफ लगते हैं। अगर आप डेली एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो आप उस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना सकते हो। मैथ्स पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को डेली क्वेश्चंस सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा पहले सिलेबस को ख़त्म कर लोगे ना तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा रिवीजन का एग्ज़ाम से पहले। सिमिलरली, अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री को उठा लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट हैं हिस्ट्री के, उनको याद रखने के लिए आपको डेली उन्हें पढ़ना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन डेली पढ़ो विदाउट एनी गैप। दोस्तों, टिप नंबर 2, अटेंड वीडियो लेक्चर्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स के टफ लगने से डेफिनेटली आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, पर ऐसे में आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना बल्कि आपको पूरी प्लानिंग से उन्हें पढ़ना है। इन सब्जेक्ट्स को आप वीडियो लेक्चर्स से पढ़ सकते हैं क्योंकि उनमें जो टीचर्स होते हैं वो इनके कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करवा देते हैं। जब आप उन्हें वीडियो लेक्चर्स से पढ़ोगे ना तो वो आपको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप उन्हें अपनी बुक से पढ़ने से पहले उसके वीडियो लेक्चर्स अटेंड करो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप हर एक टॉपिक अच्छे से समझ पाओगे। सिमिलरली, अगर आप मैथ्स पढ़ने के लिए भी ये टिप आजमा सकते हो, जब आप टॉपिक का वीडियो लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको मैथ्स का वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसके फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, टिप नंबर 3, यूज़ स्टिकी नोट्स। फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले आपको वीडियो लेक्चर्स, बुक या फिर डिटेल्ड नोट्स पढ़ने का वक्त नहीं मिलता और रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के बाद उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक शीट पर लिखकर उसके स्टिकी नोट्स बना लो और ये आपको चैप्टर वाइज बनाने हैं। ऐसा करने से रिवाइज करते वक्त आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और सिलेबस ज़्यादा भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स के फॉर्मूलाज या हिस्ट्री की डेट्स को एक सिंगल शीट पर चैप्टर वाइज नोट करके याद कर सकते हो। इन्हें बोलते हैं स्टिकी नोट्स। दोस्तों, अब बारी है प्रो टिप की। दोस्तों, स्टिकी नोट्स बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक चैप्टर के लिए एक ही शीट का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, एक चैप्टर के नोट्स एक ही शीट पे आ जाने चाहिए। ऐसे में आपको क्या फ़ायदा होगा कि मान लो बुक में आपके 10 चैप्टर्स हैं तो उनके 200-300 पेजेस को आप सिर्फ 10 पेजेस में बना सकते हो। उस एक शीट में आप अपने हैंड रिटन स्टडी नोट्स के वो पॉइंट्स लिखना जिसे आप कभी याद नहीं रख पाते और उन्हें ही एग्जाम से पहले रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में आप हर चैप्टर के वो फॉर्मूला लिखना जिन्हें आप सही से याद नहीं कर पा रहे। सिमिलरली, थ्योरी सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स को नोट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम्पल लिया है, आप इन टिप्स को किसी भी सब्जेक्ट्स में अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के टिप्स को एक बार समरी में बता देता हूँ। टिप नंबर 1, स्टडी इट डेली। टिप नंबर 2, अटेंड वीडियो लेक्चर्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। टिप नंबर 3, यूज स्टिकी नोट्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।